दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा मंच है जहां से युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा साबित कर भारतीय टीम में जगह बना पाते हैं, और इन्हीं युवा खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या भी थे जिन्होंने आईपीएल में अपनी प्रतिभा साबित कर भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि कपिल देव के बाद भारत को उनके जैसे एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया है, और वहीं हार्दिक पांड्या ने अपने प्रदर्शन से ऐसा साबित भी किया। लेकिन पिछले कुछ समय उनके लिए बेहद ही मुश्किल भरा रहा और वो अपनी फॉर्म और फिटनेस की वजह से भारतीय टीम से अंदर बाहर होते रहे। लेकिन वहीं हार्दिक पांड्या को लेकर एक खबर सामने आ रही है जिससे उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या है वो खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि वेंकटेश अय्यर और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन कई बार करके साबित भी किया है। जब हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट में डेब्यू किया था तब उनके प्रदर्शन को देखते हुए सभी दिग्गजों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि कपिल देव के बाद अब भारतीय क्रिकेट को एक और बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या बल्ले, गेंद और अपनी फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में ही बेहतरीन कर रहे हैं। उनकी शानदार फील्डिंग को देखते हुए भारतीय टीम के पूर्व महान विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उनका नाम कुंग फू पांडा रख दिया था, जिसके बाद सभी इनको इस नाम से बुलाना शुरू कर चुके थे। वही 2017 में खेले गए पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उस मुकाबले में मुश्किल समय में खेली गई उनकी उस पारी को आज तक याद किया जाता है। उस मुकाबले में भारतीय टीम बेहद ही बुरी तरीके से हार रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बेहद ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे, और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह मैच जीत जाएगी। लेकिन रविंद्र जडेजा का आउट होना, वो रन आउट हो गए और भारतीय टीम का मुकाबला हार जाती। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या के इस पारी के बाद उनकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। वहीं उसके बाद उन्होंने कई बार भारतीय टीम और अपने आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के लिए कई सारे मैच जिताए हैं। वहीं साल 2021 उनके लिए बेहद ही निराशाजनक रहा। उन्होंने बल्ले और गेंद से दोनों से ही बेहद खराब प्रदर्शन किया और उनकी फिटनेस भी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने एनसीए ज्वाइन कर रिकवर करना शुरू कर दिया था, और वहीं उन्होंने अपने इस प्रैक्टिस की वीडियो भी जारी की है। और दोस्तों, उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है और गेंदबाजी भी की है। वहीं उनके स्पेक्ट इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भारत के ओडीआई टीम में वापसी कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम बहुत ही मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने एमसी में जाकर अपनी फिटनेस हासिल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने साथ मिलकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि वो साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की ओडीआई टीम में वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय की ओडीआई टीम में शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।